जबलपुर की आरपीएफ पुलिस ने आज एक बार फिर हवाला के जरिए इधर से उधर किए जा रहे लाखों रुपए के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक मूलतः जबलपुर का रहने वाला है और 11 लाख रुपए लेकर वह ट्रेन के माध्यम से मुंबई जा रहा था। इसी दौरान आरपीएफ ने जबलपुर रेलवे स्टेशन से उसे गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध दिख रही थी युवक की गतिविधियां। आरपीएफ पुलिस के मुताबिक बुधवार की रात जब जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान पाया गया कि एक युवक जो कि संदिग्ध लग रहा है और पुलिस को देखते ही छिपने लगा, तो उसे पकड़कर पूछताछ की गई। तब उसने अपना नाम अनिल सोनी, जबलपुर सराफा निवासी बताया। अनिल सोनी के पास एक बैग था और उस बैग में जब आरपीएफ ने तलाशी ली तो उस बैग में 11 लाख रुपए मिले। इतनी बड़ी रकम की युवक नहीं दे पाया जानकारी। युवक अनिल सोनी से जब आरपीएफ ने 11 लाख रुपए के विषय में जानकारी मांगी तो वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। युवक अनिल सोनी ने बताया कि वह है सराफा का काम करता है और यह 11 लाख रुपए लेकर मुंबई जा रहा था। हालांकि उसने अभी तक पूछताछ के दौरान यह नहीं बताया कि मुंबई में इन रुपयों को वह किसे देने वाला था। हवाला का है यह रुपए, आयकर विभाग को दी गई सूचना। आरपीएफ को जब युवक अनिल सोनी से किसी भी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने उसे थाने ले जाकर बैठा दिया। वहीं आरपीएफ ने इस 11 लाख रुपए की जानकारी आयकर विभाग को भी दी है। बताया जा रहा है कि युवक अनिल सोनी 11 लाख रुपए को लेकर मुंबई जा रहा था और संभवतः हवाला का यह रुपए है जिससे कि वह किसी और को वहां पर देने वाला था। हवाला के रुपए का गढ़ बन चुका है जबलपुर। कोरोना काल के बाद से लगातार हवाला के रुपए का आदान प्रदान रेल मार्ग से ही किया जा रहा है। बीते 6 माह के दौरान आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने मिलकर हवाला के करोड़ों रुपए जब्त करने की कार्रवाई की है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के दौरान अभी तक आरपीएफ और जीआरपी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिर यह लोग कौन थे और हवाला के यह रुपए किसे दिए जाना था। फिलहाल आज एक बार फिर हवाला के 11 लाख रुपए पकड़ने में आरपीएफ ने सफलता पाई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी आज दिनांक जबलपुर स्टेशन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गलत रास्ते से जाते हुए पकड़ा। इससे पूछताछ किया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो इन्होंने बॉम्बे जाना बताया। बाद न्यूसेंस करने लगे। न्यूसेंस करने के बाद इनको पकड़ के थाने लाए, पूछताछ किया, बैग की तलाशी ली जिसमें 11 लाख रुपए नगद कैश निकला। यही घटना है। कुछ विवरण बताया कहाँ ले जा रहे, कैसे ये ले जा रहे, ऐसे बताया इन्होंने कि हम बॉम्बे सुनार का काम करते हैं, कोई जेवरात वगैरह या कारीगर हैं तो सोना चांदी कुछ खरीदने के लिए ले जा रहे थे, इसके लिए ले जा रहे थे। मेरा नाम एसआई सुखदेव सिंह। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।